प्रेरणा कथा। अकेला क्या करता। हेनरी जोन्स हर सुबह की तरह उस दिन भी 6:30 बजे बिस्तर से उठ गया। वो पिछले 20 वर्षों से यही कर रहा था। अब तो उसको घड़ी का अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने आप ही ठीक समय पर उठ जाता था। एक जम्हाई लेकर और शरीर को थोड़ा ढीला करके वो झुककर बिस्तर के नीचे अपनी चप्पलें खोजने लगा। कुछ ही देर में वो बाथरूम से बाहर आया और हर दिन की तरह 4 पीस पावरोटी के और 1 कप कॉफ़ी का नाश्ता करके अपनी जैकेट पहनकर तैयार हो गया। सब कुछ उसने 15 मिनट में कर लिया था। वो बाहर आया और घर का बाहर का दरवाज़ा बंद किया और सड़क पर निकल पड़ा। उसके हाथ में कचरा उठाने वाला एक बैग था। 10 मिनट में हेनरी जॉन्स उस पार्क में पहुंच गया जहां वो प्रतिदिन ठीक समय पर आ जाता था। उसने अपनी कमीज की बाहों को ऊपर चढ़ा लिया और काम पर लग गया। बूढ़े झुर्रियों वाले हाथ जल्दी जल्दी पार्क की घास पर बिखरे हुए खाली डिब्बे, सिगरेट के पैकेट, चॉकलेट टॉफियों की पन्नियाँ और प्लास्टिक के बैग इत्यादि उठा उठा कर अपने कचरे के बैग में डालने लगा। कुछ ही समय में उसका कचरे का बैग पूरी तरह से भर गया। वो जाकर उस बैग को सड़क के पास रखे हुए एक बड़े से कचरा फेंकने वाले डिब्बे में खाली कराया। 2 घंटे तक वो लगातार कचरा उठाता रहा, फिर उसने थोड़ा विश्राम करने का निर्णय लिया। उसकी पीठ दुखने लगी थी। पार्क के एक कोने की बेंच पर बैठकर वो थोड़ी देर तक सुस्ताने लगा। उम्र का तकाजा था और शरीर 2-3 घंटे काम करने के बाद ही दुखने लगता था। सूरज की पहली किरणों ने हेनरी जोन्स के चेहरे को छुआ। उसको बहुत ही राहत महसूस हुई। उसने फिर से एक नज़र पार्क और पेड़ पौधों को देखा। उस समय पार्क में लोग बहुत कम थे। अचानक उसने 2 लड़कों को पार्क में देखा। वो लगभग 14-15 बरस के थे। दोनों साथ साथ चल रहे थे। दोनों हंस रहे थे और सिगरेट पीते हुए धुएं के बादल ऊपर छोड़ रहे थे। कुछ पीछे एक तीसरा लड़का भी था। उसने अपने सिगरेट की डिब्बी में से अंतिम सिगरेट निकाली और उस खाली डिब्बी को वही घास पर फेंक दिया। हेनरी जोन्स ने ध्यान से देखा तो बहुत से सिगरेट के टुकड़े और खाली डिब्बियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसका शरीर अभी भी दुख रहा था, पर वो उठकर फिर से काम पर लग गया। वो कभी भी हतोत्साहित नहीं होता था। नीचे झुककर वो सिगरेट के टुकड़े और खाली डिब्बियां उठा उठाकर अपने कचरे के थैले में डालने लगा। 11:30 बजे वो पार्क से कुछ दूरी पर रखे उस बड़े से डिब्बे के पास पहुंच गया जहां उसको फिर से कचरे का बैग खाली करना था। उसने सुबह से 4 थैले कचरा पार्क से उठाकर उस डिब्बे में डाल दिया था। कुछ देर बाद वो फिर से पार्क में वापस आ गया और 5वां बैग भरने लगा। 5 बैग कचरा पार्क में से उठाकर उस बड़े से डिब्बे में डालने के बाद उसने घर जाने का इरादा किया। उस दिन का उसका काम हो गया था। सड़कों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, पर बूढ़ा हेनरी धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। सभी लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे या अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे। रास्ते में वह लोगों की बातें भी सुनता था। एक औरत थोड़ी मोटी हो गई थी और आजकल कम खाना खा रही थी। उसकी सहेली उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। एक पति पत्नी अपने बेटे की फीस के बारे में चिंतित थे। 2 पुरुष अपनी कंपनी के बॉस को गालियां दे रहे थे और नौकरी छोड़ने की सलाह बना रहे थे। कुछ बच्चे अपने माँ बाप से दुकानों से कुछ खरीद देने के लिए जिद कर रहे थे। हेनरी आराम आराम से चला जा रहा था और सभी की बातें थोड़ी थोड़ी सुन रहा था। कुछ जवान लड़कियां कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों के बारे में बातें कर रही थी।
हेनरी एक कपड़े बेचने वाले स्टॉल के पास रुका। एक खूबसूरत लड़की किसी विशेष रंग की ड्रेस खोज रही थी। बेचारा विक्रेता उसको बहुत सी ड्रेसेस दिखा चुका था। दुनिया अपने में व्यस्त थी, पर बूढ़ा हेनरी अपना खाली कचरे का थैला लिए घर की तरफ चला जा रहा था। वो बहुत थक चुका था और माथे पर पसीना भी स्पष्ट दिख रहा था। सैकड़ों लोग उसके पास से होकर जा रहे थे, पर किसी ने भी उस बूढ़े हेनरी को देखा तक नहीं। ऐसा लगता था कि उसका दुनिया में होना ना होना मतलब ही नहीं रखता था। सड़क पार करने से पहले वो रुक गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस बूढ़े को सहारा देकर सड़क पार करवा देता। सभी उसको कोहनियों से धकेलकर और क्षमा मांगकर आगे बढ़ रहे थे। हेनरी को दुनिया के लोगों से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। एक पतली गली से गुजरते हुए हेनरी उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो आज उसने कचरे के बैग में भरकर फेंकी थी। धीरे धीरे वो अपने घर के सामने था। उस ऊंची बिल्डिंग में वो पांचवीं मंजिल में रहता था। एक कमरे का छोटा सा फ्लैट था। सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता था। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। उस दिन जीवन में पहली बार उसको लगा कि शायद वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। वो बीच बीच में सीढ़ी पर ही बैठ जाता था और कुछ विश्राम करने के बाद फिर ऊपर चल देता था। उसकी नीली आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसको अपने जवान बेटे याद आए जो फौज में देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उस समय वो गांव में खेती करता था। उसको अपनी पत्नी याद आई जो बीमारी से मर गई थी। आर्थिक मंदी ने एक वर्ष उसको गांव छोड़ने को मजबूर कर दिया था। उसने अपनी ज़मीन बेच दी थी और शहर आ गया था। वो शहर में मजदूरी करने लगा था और उसने गाँव की ज़मीन बेचकर पाए पैसों में से ये एक कमरे का फ्लैट खरीद लिया था। 20 वर्ष तक सफाई विभाग में नौकरी करने के बाद उसने अवकाश पाया था। अब उसका गुजारा सिर्फ पेंशन पर ही होता था। दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। सीढ़ियों से बहुत से लोग नीचे उतरे, परंतु किसी ने भी हेनरी की नीली आंखों में आंसुओं को नहीं देखा। किसी के पास भी उस बूढ़े को हाथ पकड़कर पांचवीं मंजिल के उसके कमरे तक पहुंचा देने की फुर्सत नहीं थी। आखिर हेनरी अपने कमरे में दाखिल हो ही गया। वो बिस्तर पर लेट गया और तुरंत ही सो गया। अब वो अगली सुबह तक सो सकता था, परंतु उसको एक दो घंटे बाद उठकर कुछ खाना तो पकाना ही था। बस यही जीवन था बूढ़े हेनरी जोन्स का। 20 वर्षों से हेनरी जोन्स यही करता चला आ रहा था। वो हर दिन मुफ्त में ही पार्क की सफाई किया करता था और फिर घर में आकर सो जाता था। वो दुनिया को साफ सुथरा रखना चाहता था, पर वो जानता था कि काम बहुत ही कठिन था, क्योंकि हर सुबह वो पार्क फिर से गंदा हो जाता था। अगली सुबह हेनरी की नींद नहीं खुली। 6:30 भी बज गए, पर वो बिस्तर से नहीं उठा। रात के आंसू उसके झुर्रियों वाले गालों पर जम गए थे। उसका कचरे का थैला दरवाजे के पास ही रखा हुआ था। उसकी जैकेट बिस्तर के पास ही दीवार पर लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, पर उनमें शून्यता थी। हेनरी जोन्स दुनिया से जा चुका था और उसके साथ ही इस दुनिया को साफ और सुंदर रखने की आशा भी चली गई थी। हेनरी हमेशा यही मानता था कि अकेला व्यक्ति भी परिवर्तन ला सकता है, और इसीलिए उसने अपने जीवन को ही सफाई के लिए समर्पित कर दिया था। पर शायद वो ये नहीं जान सका कि पूरी दुनिया के लोग ही दुनिया को गंदा बनाने पर लगे हुए थे। हेनरी जोन्स ने शायद गलत सोचा था। अकेला व्यक्ति कुछ शुरू तो कर सकता है और दुनिया को सुंदर बनाने के लिए कुछ प्रयास तो कर ही सकता है, पर अकेला व्यक्ति दुनिया को बदल नहीं सकता है। हेनरी जोन्स का मृत शरीर बिस्तर पर पड़ा था और बाहर गली में वही कल वाले लड़के सिगरेट का धुआं छोड़ते और खाली डिब्बियां इधर उधर फेंकते हुए हंसते खेलते चले जा रहे थे। पार्क में कचरा इधर उधर बिखरा पड़ा था, पर अब हेनरी जोन्स नहीं आने वाला था। मित्रों, आप भी अपने आसपास साफ सफाई पर ध्यान दिया कीजिए। ये दुनिया आपकी अपनी है।
जैसा चाहेंगे वैसा बनाएंगे। आपके थोड़े से सफाई श्रमदान से बहुत फर्क पड़ सकता है, प्रयास तो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।